अदर टीम है एक पूरे मतलब स्टेट में, तो मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगी। तो हमारा जो स्टेट है उसका नाम ही है उत्तराखंड। उत्तराखंड का मतलब है उत्तर, जैसे कि आप नाम से ही मतलब आप गेस कर सकते हो, उत्तर है मतलब उत्तर तरफ के पहाड़, खंड मतलब रीजन, उत्तर मतलब नॉर्दर्न जो पहाड़ होते हैं, इसलिए उसका नाम उत्तराखंड रखा है। ठीक है, जैसे कि हिमांशु और सविता ने बताया कि उत्तराखंड पहले यूपी का पार्ट था, उसका नाम उत्तरांचल था पुराना, फिर उसके बाद 2006 में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड रखा गया। ठीक है, तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक तो जैसे देवभूमि है, देवभूमि बोला इसलिए जाता है पहाड़ों को कि क्योंकि बहुत सारे मंदिर होते हैं वहाँ पे, सारी पौराणिक जो कथाएं हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो ये सारी चीज़ें हर्ब्स होती हैं, औषधि बोलते हैं जिन्हें, ये सारी चीज़ें निकलती हैं पहाड़ों से, है ना, तो इसलिए देवभूमि बोला जाता है हिमाचल को भी और उत्तराखंड को भी। तो सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो मतलब उत्तराखंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड है कि ज्योतिर्लिंग, आप लोगों को पता है 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे देश में, ज्योतिर्लिंग बोलते हैं जहाँ कहते हैं भगवान शिव ने खुद दर्शन दिए, तो वहाँ पे जो भी मंदिर बने उनको ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, तो उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, और एक हाईएस्ट टेंपल भी है शिव जी का जो सविता ने बताया, जिसे तुंगनाथ बोलते हैं। उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी है वहाँ की, और आप योगा बोल सकते हो, योगा मतलब जो ओरिजिनेट हुआ है वो ऋषिकेश से ही हुआ है, सिटी बोल सकते हैं हम इंडिया की, जहाँ से फॉरनर्स भी आते हैं, जहाँ पे जो उसका रीजन है मेन वो ऋषिकेश है। और हरिद्वार है, हरिद्वार आप लोगों को पता ही होगा कितना फेमस है, गंगा नदी है वहाँ पे, सारी कोई भी पूजा है मतलब मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति जो बोलते हैं, है ना, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तो उत्तराखंड ही मतलब है और कहीं नहीं जा सकते, चार धाम करना है आपको तो मोक्ष वहां से मिलेगा। हरिद्वार आखिरी सुबह में बोलते हैं, जैसे कुछ भी कोई भी शुभ काम होता है ना, कोई मतलब किसी बच्चे का बर्थ होता है या मुंडन वगैरह हम बोलते हैं, सारी चीजें जो होती है सारे हरिद्वार बोलते हैं ना, हरिद्वार एक बार नहा लो तो पाप धुल जाएंगे सारे, मतलब एक लाइफ मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये सारी चीजें उत्तराखंड में है हमारे। ठीक है, और इसके अलावा जो फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसको जिम कॉर्बेट भी बोला जाता है वो है नैनीताल में उत्तराखंड, बाकी हिल स्टेशन तो बहुत फेमस है ही है, मसूरी है, मसूरी में एक बासना करके एक मतलब कोई एक इंस्टीट्यूट टाइप का बोल सकते हो, जहाँ पे ये यूपीएससी क्लियर करने के बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है मसूरी में दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा योगा का मैं बता ही चुकी हूँ, और आर्मी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड के यूथ का, 72,000 जो यूथ है वो हमारा आर्मी में है। ठीक है, स्पेशली हमारे दो रीजन भी है, गढ़वाल रीजन, गढ़वाल राइफल बोला जाता है उसे, और कुमाऊं रीजन, तो आधे से ज्यादा हमारे यहाँ पे ये बोला जाता है पहाड़ों में लड़के 12th करते हैं और हाइट वगैरह सब अच्छी होने की वजह से रेस लगाते हैं, भागते हैं, अपने आप को फिट करते हैं, उनका सबसे पहला सपना ये होता है शायद हर एक पहाड़ में रहने वाले लड़के का, लड़कियों का, कि हम आर्मी में मतलब भर्ती हों, और जब वो नहीं हो पाता है किसी सिचुएशन की वजह से फिर वो अपना दूसरा करियर ऑप्शन चूज करते हैं, तो इसलिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आर्मी में भी है। ठीक है, और इसके अलावा जो चार धाम है, धारी देवी टेम्पल आपने सुना होगा, उसको बोला जाता है, वहाँ पे मंदिर है धारी देवी मंदिर, तो उस धारी देवी मंदिर को चार धाम का रक्षक बोला जाता है, क्योंकि क्योंकि जो वो मंदिर है, कहा जाता है 2013 में सबने सुना होगा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, बहुत ही मतलब एक हिस्टोरिकल एक मोमेंट आप बोल सकते हो, एक मतलब बताया जाता है उसको, तो हुआ ये था कि जो धारी देवी टेम्पल है पुरानी मतलब बहुत पुराना मंदिर है, तो जब भी उस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की जाती है या कुछ भी किया जाता है तो हमेशा ऐसा होता ही है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये बोलते हैं कि जो माता की मूर्ति थी उसको हटा के थोड़ा मंदिर को बड़ा कर रहे थे या दूसरी जगह पे रख दिया गया था, तो जब वो रक्षक ही है मतलब पूरी मतलब वो रक्षा करती है चार धाम की, तो उनको हटा दिया गया था, तो बहुत ज्यादा फिर कहते हैं प्रलय आई थी, और उसी दिन कुछ घंटों बाद ही मौसम खराब हुआ और देखते ही देखते इतना खतरनाक हो गया कि लोगों की मतलब डेड बॉडीज भी नहीं मिली, है ना, उसके बाद से उस मंदिर को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता है। ठीक है, बाकी फूलों की घाटी सुना होगा आप लोगों ने, नहीं चमोली, चमोली में है फूलों की घाटी बोला जाता है, वहाँ 500 तरीके के उससे भी ज्यादा तरीके के फूल होते हैं, मतलब वो एक वैली है जहाँ पे नेचुरल फ्लावर्स होते हैं, कोई भी गार्डनिंग नहीं है, मतलब बहुत ही पीक है तो अपने आप ही होते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत ही फेमस है। और इसके अलावा लक्ष्मण झूला, राम झूला है ऋषिकेश में, ये इसलिए बोला जाता है, कहते हैं कि जब राम भगवान जी मतलब वनवास गए थे तो वहां से होते हुए गए थे वो। ठीक है, तो बहुत कुछ बहुत ही रिच कल्चर है खाने को लेके, हम बोलते हैं मंडवा होता है एक वहां पे और झुंगारू बोला जाता है,
पुराने लोगों के एग्जैक्टली हिमांशु ने ठीक बताया, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे तो उनके पास जो वो उगा सकते थे उसी चीज को वो खाते थे, मतलब ज्यादा पैसे नहीं थे या फिर बाहर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, चावल वगैरह उन्हें नहीं पता था, वही चीज खाते थे। लेकिन अब का टाइम ये है कि वही चीज इतनी फेमस है कि जो मतलब बाहर के भी लोग हैं जिन्हें पता है उसके जो गुण है उन चीजों के, कि कैंसर को फाइट करता है ना ये सारी चीजें, डायबिटीज वगैरह की कोई उस डाइट को खाए अगर तो बिल्कुल फिट हो सकता है, कोई बीमारी जड़ से खत्म कर सकते हैं आफ्टर ऑल, क्योंकि वही हिमाचल या उत्तराखंड है, पहाड़ों की खेती है ना, औषधियां वगैरह सारे हर्ब्स वहीं से आते हैं तो उस चीज के लिए भी अब फेमस है। अब वो चीज लेकिन अब बहुत महंगी बिकती है, जो उस टाइम पे उन लोगों के लिए मतलब इजिली अवेलेबल होती थी वो खाते थे, अब इतने इतने पैकेट्स में एक एग्जीबिशन लगती है और वहां पे बहुत महंगी महंगी बिकती है सारी चीजें, ठीक है। और सबसे ज्यादा मतलब इस चीज का ही लगता है कि जैसे कि वहाँ सब लोग मतलब पलायन ही करते हैं ना अपने करियर के लिए, सबको बाहर ही आना पड़ता है अगर इनफ रिसोर्सेज नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो सभी इधर पलायन करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम बस गए कोई यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद उनकी जो आगे की जनरेशन है यही बसेगी, तो जो पुराने घर होते थे जहाँ पे हमारे मतलब पूर्वज रहे हुए हैं तो वो घर कैसे हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं जब कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो ताला लगा हुआ है गेट पे, लेकिन जो सुंदर से घर बने हुए हैं उनमें ऊपर बारिश से मतलब बहुत ही बुरे हाल हो गए उनके, है ना। तो इस वजह से मतलब उस चीज को देख के बहुत बुरा लगता है। तो एक सॉन्ग है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, छोटा सा ही सॉन्ग है, तो वो फुलारी जो त्यौहार बताया हिमांशु ने, वो एक्चुअल ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके के फूल उगते हैं मतलब पहाड़ों में बहुत सुंदर, तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चों को बोला जाता है, 5-6 बच्चे जितने भी बच्चे होते हैं सारे फूल तोड़ के लाते हैं, ठीक है, और वो फूल तोड़ के सबकी दहली पे रखते हैं दरवाजों पे और नॉक करते हैं और फिर सब उन्हें भेंट देते हैं, उन बच्चों को भेंट मतलब कोई भी चीज, टॉफी दे दी, पुराने जमाने में मतलब मिठाई होती थी, कुछ पैसे होते थे वो दे देते थे उनको, है ना, तो वो खुश होके जाते, तो इस त्यौहार को फुलारी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी पे एक सॉन्ग है छोटा सा, बहुत बोल दिया तो ज्यादा अच्छा, मतलब ऐसे अच्छा नहीं गा पाती। चला फुलारी फूलों को सोंदा सोंदा फूल बिराला, बोरू का जूठा फूल ना तोड़ा, बोरू के जूठी फूल ना लाया, तेजे निर्भर देश मातुम राणा तेरा मैं भार छोड़ा, हे जी हे जी सारी फूली गे होली फ्योली दायर मैं भार छोड़ा, हे जी हे निर्व परदेसा नायनी धरती मनाली ना छोड़ के आया होता है तो वो सारे फूलदेही का त्यौहार मतलब जैसे जब मनाया जाता है तो वो याद आता है कि मेरे पहाड़ में इस टाइम पे बच्चे फूल लेके आ गए होंगे, तो भौरू का जूठा फूल ना लाया, मतलब बच्चों को बोला जाता था तितली और भौरू जो जूठे करे होंगे फूल उनको मत लाना, बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स लेकर आना, फिर उसको याद आता है कि ये त्यौहार मनाए जा रहे होंगे मेरे गाँव में, मुझे वापस घर छोड़ के आ जाओ, यहाँ पे ना ऐसी धरती मयाली मतलब प्यार वाली, ना उस धरती में प्यार है, ना आसमान वैसा है और लोग भी बिल्कुल मतलब वैसे प्यार देने वाले नहीं है, तो मुझे वापस मेरे घर छोड़ के आ जाओ। Thank you.